नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तेजश्री कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज मैं आपको जो हमारा सीसी रोड का काम होता है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि सर हमें सीसी रोड के बारे में जानकारी दें कि सीसी रोड में क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों अगर आपको कॉल करना है तो कॉल करने का मैंने सिस्टम बना दिया है। आपको जब भी कॉल करें तो उससे पहले आप व्हाट्सएप में मैसेज करें कि मुझे आपसे बात करनी है, तो तब मैं आपको, जब मैं फ्री होऊंगा तो आपको मैं तुरंत यस का मैसेज करूंगा और आप उसके बाद में आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे भी इस चीज़ का महसूस होता है कि हाँ मेरी चीज़ें दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है लोगों को, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन इससे मिलता रहेगा। तो दोस्तों आते हैं अपने पॉइंट में। दोस्तों सीसी रोड का जो काम होता है, ये रोड के काम के अंदर कई प्रकार के काम होते हैं। अब लोग सोचते हैं कि सिर्फ सीमेंट कंक्रीट डाल दिया और उसको हम सीसी रोड का काम कहते हैं। नहीं दोस्तों, सीसी रोड की जानकारी के लिए आपको मैं दिमाग से वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पे आपने कहीं सीसी रोड या तो बनता देखा हो या फिर आप अपने दिमाग से देखिए कि अब मैं सीसी रोड बनाने का काम कर रहा हूँ। कैसे? दोस्तों सबसे पहले किसी कच्चे रास्ते पर चलते हैं जहाँ हमें रोड बनाना है। ये चीज़ें मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ और इसका एक एक चीज़ मतलब बताऊँगा जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों सरकारी रेटों के अंदर होता क्या है, हर आइटम का अलग अलग रेट होता है, आप ये विशेष ध्यान रखें। और प्राइवेट के अंदर लोग इकट्ठा ही मांग लेते हैं या फिर अलग अलग रेट भी होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइटम रेट अलग अलग होता है, ये विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको रोड के बारे में, सीसी के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि और बातें आगे करने वाले हैं। दोस्तों अगर हमें किसी एक रोड बनाना, मान के चलिए हमें 1 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो दोस्तों सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, जो टेंडर निकालते हैं सरकार में, वो डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो PWD हो सकता है, PHED हो सकता है, नगर निगम हो सकता है, नगर पालिका हो सकता है, ग्राम पंचायत हो सकता है, या कोई सा भी डिपार्टमेंट है, PWD, CPWD, ये सभी में रोड का काम होता है। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ, जैसे मान के चलना कि कहीं पे एक 1 किलोमीटर का रोड बनाना है। आप अपने दिमाग लगा कर देख सकते हैं कि भाई ऐसी जगह है खाली जिसमें हमें रोड ये बनाना है। तो दोस्तों पहले क्या करते हैं, वहाँ पे जेई साहब जाते हैं और वहाँ से उसका इस्टीमेट निकाल के लाते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, वो उसका जो एरिया है जहाँ पे मकान बने हैं या रोड है वो कितने ऊपर नीचे हैं, उस हिसाब से वो एक उसका लेवल देखेंगे, एवरेज के इसमें कितना ऊंचा रोड बनेगा, पहला पॉइंट ये रखते हैं। इसके बाद में वो जो सारी चीज़ों को लेकर के उसके हिसाब से चलते हैं नीचे, लेवल के हिसाब से, क्योंकि आपको जब भी कुछ काम करना होता है, बिल्डिंग बनाने का काम करना होता है या रोड बनाने का काम करना होता है या कोई भी काम करना होता है इसके अंदर, तो आपको लेवल से ही चलना पड़ेगा। क्यों दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे कि कोई कहते हैं कि रोड ही डालनी है तो कितने इंची डालनी है, 6 इंची, 4 इंची, 8 इंची या 1 फिट, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी जहाँ कंपनी मतलब रोड बनेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी रोड डालनी। स्टार्टिंग करते हैं हम, सबसे पहले अगर उस रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पानी का निकास है बीच में, ये चीज़ें विशेष ध्यान देने वाली है, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको एक एक चीज़ खोल के बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि जानकारी देने के लिए टाइम लगता है, मतलब ऐसा ये नहीं है कि मैं कुछ आया और गया कह दिया कि हाँ हो गया। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, एक एक चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनने। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर वहाँ पे कहीं पानी निकास की जगह है बीच रोड में से, इस साइड से उस साइड में जाना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको उसके अंदर स्पेशली दिया होगा या तो कोई पाइप डालना है या उसमें नाली बनानी है या कोई और काम करना है, या कोई लोहे का वो बनाना है, आप मतलब पुलिया वगैरह ऐसा कुछ बनाना है, तो उनके लिए आपको अलग से BOQ में सब कुछ दिया हुआ होता है।
दोस्तों उसके अंदर आपको ब्रिक वर्क भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि नाली बनाएंगे तो ब्रिक वर्क करना पड़ सकता है। उसके अंदर पाइप डालना है तो पाइप की वो ध्यान रखना पड़ सकता है। आपको अगर आरसीसी की नाली बनानी है तो पहले आपको नाली बनाने के लिए ब्रिक वर्क भी करना पड़ेगा, या सेटरिंग लगा के आपको रोड़ी डालनी पड़ेगी सरिया बांध के, उसके ऊपर उसका ब्लॉक, जो कवर ब्लॉक होते हैं, मतलब एक तरीके से जिसको ऊपर नाली को कवर करते हैं, उसको भी, ढक्कन जो बोलते हैं उसको, उसको दबाने के लिए वो भी आपको डालने होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आप विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वांटिटी आपको उसके अंदर दी हुई होती है बीओक्यू के अंदर। दोस्तों पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया, अगर कहीं पे रोड के साथ में बगल की साइड में अगर कहीं पे डाउन एरिया है, तो दोस्तों वहां पे क्या करते हैं लोग, वहां पे या तो आप ब्रेक वर्क करेंगे या फिर कोई और काम कर सकते हैं, आरसीसी वर्क कर सकते हैं, आरसीसी बॉल भर सकते हैं, उसके अंदर उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कम जगह है तो वहाँ पे ब्रिक वर्क से भी काम चला सकते हैं, या फिर आपने नाम सुना होगा पत्थर जो होता है, स्टोन आते हैं, उनका भी आप पिचिंग जिसको बोलते हैं, आपको पिचिंग का अर्थ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पिचिंग किसको बोलते हैं, पिचिंग वो होती है जैसे किसी तालाब होता है, तालाब या फिर नहर देखी होगी आपने, उनके साइड साइड में, मतलब जैसे नहर जा रही है तो नहर के बगल का जो एरिया होता है दोनों साइड का बाहर का, उसके अंदर पत्थरों से, उसके जो भी मिट्टी टेपर होती है उसके अंदर पत्थर बिछाए जाते हैं, और पत्थर बिछा करके उसके ऊपर आपने देखा होगा 1 इंची बाई 1 इंची के जो तार वाली जाली आती है, जैसे आप देखा होगा गमलों में जो लगाते हैं, वो जाल उसके अंदर बिछाया जाता है, उसको हम पिचिंग कहते हैं। अगर रोड के साथ में ऐसे ज़्यादा गहरी जगह है तो वहां पे क्या करते हैं, पत्थर की पिचिंग भी बनवाते हैं, उसको मैं अपनी भाषा में पिचिंग बोलता हूँ, और बाकी आपके यहाँ पे पता नहीं कोई और भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जैसे साइड जगह होती है वहां पे टूटे ना, मतलब पानी से कट के मिट्टी ना जाए, उसके लिए उनमें पत्थरों का प्रयोग करते हैं। मोटे मोटे पत्थर होते हैं, उसके अंदर 6 इंची वाले ऐसे मोटाई होते हैं, 5 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, उन पत्थरों को उसके साइड में जमाया जाता है, उसको हम पिचिंग बोलते हैं, तो वो भी काम हो सकता है। लेकिन इनका सारी चीज़ों का आपको बीओक्यू के अंदर दिया हुआ होता है। अब आ जाइए अगला पॉइंट, आपकी साइड दोनों क्लियर हो गई, क्योंकि साइडों के अंदर ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। आपको ब्रिक वर्क करना हो सकता है या फिर आरसीसी वर्क करना होता है, आरसीसी के अंदर आपको ये सरिया वगैरह, सेटरिंग वगैरह सारा दिया हुआ होता है उसके अंदर, बीओक्यू के अंदर, वो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि ये अंदर क्या क्या काम होना है। बीओक्यू के अंदर ये नहीं लिखा होगा कि आपको क्या काम करना है, ये विशेष ध्यान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सब बीओक्यू की जानकारी चाहिए। बीओक्यू की जानकारी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बीओक्यू के अंदर उसमें सिर्फ आपको क्वांटिटी दी होती है काम की। अब वो काम आपको वहां जाके देखना है साइड पे कि आपको वहां पे क्या काम है, कितना काम है, जो इस जो क्वांटिटी दी है उसके अंदर क्या ये काम हो पाएगा, क्योंकि ये दोस्तों विशेष जानकारी है, क्योंकि ये आपको वहां पे प्रैक्टिकल ही जाके देखना पड़ेगा, आप इसको समझ सकते हैं कि ये वहां पे क्या होता है। दूसरा पॉइंट अब आ जाइए आगे का। दोस्तों अगर रोड हमारा नीचे है और वो रोड करीब मान के चलना 1.5 फीट या 2 फीट अगर उठेगा, मैं एक लेवल मान के चलता हूँ कि हमारे रोड की इसी लेवल मान के चलते 2 फीट की हाइट हो जाएगी, क्योंकि 2 फीट ऊपर आएगा रोड हमारा, ये बनने का लेवल है हमारा 2 फिट, मतलब जमीन से 2 फिट आएगा, कहीं पे कम है जमीन, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊपर है, कहीं नीचे, तो ये हो सकता है। अब दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर भराई होगी, क्योंकि रोड में हम पूरी तो रोड ही डाल नहीं सकते 2 फिट की, कि भाई 2 फिट के लिए रोड ही रोड डाल दें, तो ये भी हम नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या करना होगा हमें, ये बीओक्यू में दिया हुआ होता है, सबसे पहले हमें एक लेवल निकालना पड़ता है जो हमने 2 फीट का ले लिया है। अब दोस्तों 2 फीट में मैं अपने हिसाब से मान के चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एवरेज 6 इंची हमारी आरसीसी के मान के चलते हैं हम रोड़ी, तो पहला पॉइंट हमारा रोड़ी का हो गया जो 6 इंची है, 2 फीट में से 6 इंची गया तो बचा कितना, 18 इंची, यानी कि 1.5 फीट। अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज और आती है, स्टील सरिया जो बांधते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, और सरिये का अलग से बीओक्यू में दिया हुआ होता है कि कितना सरिया इसके अंदर लगेगा, ये हो गया। दूसरी चीज,
इसके बाद जो इसके नीचे वाला जो पार्ट है, मैं ऊपर से चल रहा हूँ रोड के, मैं आपको एक एक चीज बताऊं फिर वापस ऊपर भी आएंगे, पहले मैंने ऊपर से चल रहा हूँ समझाने के लिए। पहला 6 इंची हो गया आपका आरसीसी, उसके नीचे अब आप देखिए आरसीसी के नीचे आपका WBM जिसको हम बोलते हैं, वो 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 1.5 इंची, 1 इंची, ये रोड़ी आती है, इसको WBM को आप समझ सकते हैं, जिसको कहीं पे मोरम बोलते हैं, जो पहाड़ों से निकलती है गिट्टी, मोटी गिट्टी होती है, वो आपने देखी होगी रोडों पे बहुत जगह डालते हैं, वो भी डालते हैं। उससे क्या होता है कि एक लेयर बनती है, उसके पूरा डालने के बाद में उसमें रोलर चलाया जाता है, जो रोलर होते हैं आपको पता होगा, रोलर कंप्रेसर, क्यों कंप्रेसर वाले भी चलाए जाते हैं जिससे कि रोड बाद में बैठे ना, वो चलाया जाता है। उसकी भी एक लेयर दी हुई होती है कि वो कितने इंची हैं। अब एवरेज मान के चलना आप, 3 इंची हो सकती है, 4 इंची हो सकती है, तो ये आप उसमें क्वांटिटी में दी हुई होती है, उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बीच में समझाने की कोशिश करूँगा। आपको उसको कैलकुलेट कैसे करना है, स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करके आप एवरेज निकाल सकते हैं मोटा मोटा। हो सकता है मैं आपको ये और सिस्टम में समझाने की बाद में कोशिश करूंगा, लेकिन मोटा मोटा आइडिया निकालने की कोशिश कर लीजिएगा, स्क्वायर फीट में निकाल के उसको इंटू से इंटू कर लीजिए अपने, कितने इंची वो क्यूबिक फीट में निकाल लीजिए, क्यूबिक मीटर में निकाल लीजिएगा, वो आपको निकल के आ जाएगी और वो आपको BOQ का अंदर मिलेगा। इसके बाद में अब और नीचे चलते हैं, उससे नीचे हमें क्या है, मिट्टी जो होगी वो भरा किया जाएगा, मिट्टी का जी नीचे सबसे ज़्यादा मिट्टी भराई जाती है, तो रोड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो रेतीली मिट्टी होती है जिसको रेत बोलते हैं, सिर्फ वही डाली जाती है, क्योंकि वो बाद में बैठती नहीं है, ये मिट्टी डाली जाती है, जो BOQ में लिखा होगा वही डाल सकते हैं, भराई के लिए ये काम आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आप ये देख लीजिए, ऊपर की 6 इंची रोड़ी हो गई है, उसके बाद में 4 इंची आपका WBM या मोरम जिसको बोलते हैं वो हो गया है, तो कितना हो गया, 6 4 10 इंची हो गया है। 10 इंची के बाद में अब आपका जो एरिया बचेगा नीचे का जितना भी है उसमें आप मिट्टी वगैरह भरते हैं। तो दोस्तों नीचे से अगर चलेंगे तो हमें इतना मिट्टी भर देनी है, उसके बाद में हमारा एरिया खाली रहेगा 10 इंची का, 10 इंची में 4 इंची हमारी मोरम आ जाएगी और उसके बाद में 6 इंची हमारी रोड़ी आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में एक एक चीज़ फिट करके चलें। एक पॉइंट बहुत अच्छा बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपका 1 किलोमीटर का रोड है तो दोस्तों उसके अंदर अगर कहीं पे ऐसी जगह आती है ढलान होता है, तो ढलान का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ढलान का आपको 20 से सेंटर लेना है, क्योंकि पीछे ज़्यादा मिट्टी भरी जाएगी और आगे मिट्टी कम हो जाएगी, तो कम ज़्यादा का आपको हिसाब रखना है, कहीं पे ऐसा ना हो कि एक साइड में आपने कम की जगह नाप लिया और मिट्टी ज़्यादा आ गई तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। आपको नुकसान से बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कहीं पे नुकसान की गुंजाइश ही ना रहे, तो आप इस तरीके से आप CC रोड का काम ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब इसकी रेट की बात आएगी तो वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों फिर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे एक लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मैं समझूंगा कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो अच्छा और लोगों को समझ में आया है।